बोल श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोल श्री सतगुरु महाराज की। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर सर जी, कल की चर्चा में हमने श्री देवचंद्र जी के ही खोज के क्रम को आगे सुना, किस प्रकार वे राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी हरिदास जी के पास जाते हैं, कैसे उन्हें गुरु धारण करते हैं, किस प्रकार उनकी सेवा करते हैं, सेवा का भाव क्या होना चाहिए, किस प्रकार सेवा की जानी चाहिए और किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सारी बातें हमने कल की चर्चा में सुनी थी। अब आगे का जो प्रसंग है वो ये है कि देवचंद्र जी बांके बिहारी जी के वस्त्रों की सेवा कर रहे हैं अपने घर पर, और उनके सामने भोग रखकर स्वयं ध्यान करते हैं, और ध्यान में उन्हें ब्रजमंडल का दर्शन होता है। और महामती श्री लालदास जी कहते हैं, इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन, जाने हम ब्रज में गए द्वार नंद के रोशन। देखिए, कभी कभी सुंदर साथ ये प्रश्न कर देते हैं कि प्राणनाथ ज्ञानपीठ से या जितने भी लोग स्वामी जी से जुड़े हुए हैं, ये सेवा पूजा का विरोध क्यों करते हैं। वास्तव में सेवा पूजा का विरोध कहीं भी नहीं होता है। प्राणनाथ ज्ञानपीठ में ही मंदिर है, पुजारी जी सेवा करते हैं। हमारा कहना यह है कि सेवा पूजा जो औपचारिकता के लिए की जाती है, जिसमें भोग इत्यादि रख करके चौपाइयां बोली जाती है, जिसमें अलग अलग चौपाइयों को बोल करके अलग अलग प्रक्रियाएं कराई जाती है, जैसे राज्य को स्नान कराना हो तो दो छोटे छोटे लोटे में जल भर करके हम इस प्रकार से क्रिया करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम राज्य को नहला रहे हैं। भोग रखते हैं या भोग लगाते हैं तो कोई फल हो या मिठाई हो या कोई भोजन हो या ड्राई फ्रूट्स इत्यादि हो, मिश्री हो, उसे रखते हैं और चौपाइयां बोल देते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये छोटे बच्चों के लिए है, 10 12 15 साल की जिनकी उम्र है, जिनमें अभी ध्यान के विषय में समझने की क्षमता नहीं है, जिनमें अभी ये भी समझने की क्षमता नहीं है कि भावलीनता क्या होती है, जिन्हें चौपाइयों का अर्थ समझ में नहीं आता है, ये उनके लिए है। और इसका कारण ये है कि बच्चे कम से कम उन चौपाइयों को यदि याद कर लेते हैं तो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको अर्थ समझा दिया जाएगा, और जब अर्थ को समझेंगे तो पाएंगे कि सेवा पूजा के नाम पर जो भी चौपाइयाँ बोली जाती है, जिनमें अधिकांश वाणी की चौपाइयाँ हैं, वे सभी तो हमें परम धाम की याद दिलाती हैं, वे सभी तो हमें चितवनी की तरफ प्रेरित करती है। तो कारण ये है कि छोटे बच्चे सेवा पूजा करें। देवचंद्र जी यहाँ भोग भी लगा रहे हैं, तो कैसे लगा रहे हैं? ये भोग धर करके चौपाई या श्लोक नहीं क्या बोल रहे हैं, भोग सामने रखा है और आंख बंद करके बैठे हैं भाव लेकर के, और ध्यान कर रहे हैं। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि बिना भाव के तो यदि आप ध्यान भी करेंगे तो वो औपचारिकता है, वो शरीयत अथवा कर्मकांड की श्रेणी में आएगी, और भाव के साथ आप यदि सेवा पूजा भी करते हैं तो वो कर्मकांड से ऊपर उपासना की श्रेणी में आएगी। आपने भोग रखा है,
जो उपलब्ध है और आंख बंद करके ये भाव ले रहे हैं कि हम सभी ब्रह्मात्माएं रंग महल के तीजी भूम के पड़साल पर राज्य को भोजन करा रहे हैं, तब तो ठीक है। जब हम तीजी भूम की जो पड़साल ठौर बड़े दरवाजे विशाल धनी आवत है उठी प्रात बन सीचत अमृत अगाध कहते हैं, तो उस समय हमारा भाव यदि वही रहता है जो चौपाइयों में कहा जा रहा है कि तीसरी भूम से देखने पर क्या क्या दिखाई पड़ता है, किस तरह से वहाँ पर सखियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएँ कर रही हैं, किस प्रकार सखियाँ दौड़ दौड़ करके भोज्य सामग्रियाँ ला रही हैं, वो भाव रहता है तो उपासना है। तो ऐसा करने के लिए कोई मना नहीं करता है, छोटे बच्चों को सेवा पूजा के लिए कोई मना नहीं करता है, पर हमारा यही मानना है, यही सिद्धांत है और यही वास्तविकता भी है, वाणी वितक का भी यही सिद्धांत है कि चित्वनी को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हम कहते हैं, एक दुनिया का साधारण भक्त भी ये कहता है कि भगवान अथवा परमात्मा प्रेम का भूखा होता है, फिर आप चौपाइयों के माध्यम से झूठ क्यों बोलते हैं? यदि भाव ही नहीं रहा हृदय में, वो प्रेम ही नहीं रहा, तो आप तो चौपाई के माध्यम से झूठ ही बोल रहे हैं ना। आप क्या कहते हैं चौपाई में? मूंग भात घृत पूरी कचौरी व्यंजन जो मन भाए, ये बोलते हैं। और सामने क्या रखा होता है? जो चौपाई में कहा जा रहा है क्या वो रखा है? नहीं। आप एक चम्मच मिश्री रख रहे हैं और कहते हैं मूंग भात घृत पूरी कचौरी व्यंजन जो मन भाए, ठीक है। इसी तरह से साक अथाने पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन रखा तो कुछ और ही होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये नहीं कह रहा कि चौपाई में जिन जिन भोजन सामग्रियों का वर्णन है वही रखना है। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि यदि हृदय में वो भाव ही नहीं है राज्य के लिए, वो प्रेम ही नहीं है, तो आगे भोग धर करके चौपाई बोलना जो है वो झूठ है। और यदि हृदय में प्रेम भाव है, फिर आप कुछ भी रखते हैं आप, क्योंकि जो सामने रखा है वो तो आप खिला नहीं रहे हैं, आप तो केवल एक औपचारिकता के लिए सामने रखा है, लेकिन खिला क्या रहे हैं राज जी को? अपना प्रेम, अपना समर्पण, यही वास्तव में सेवा पूजा होनी चाहिए। हाँ, छोटे बच्चे ये बात समझ नहीं सकते, उन्हें अभी पता ही नहीं कि प्रेम क्या होता है, उन्हें अभी पता ही नहीं कि समर्पण क्या होता है, इसलिए उन्हें चौपाई याद करा दी जाए, धीरे धीरे अर्थ बताया जाए। जब चौपाइयों का अर्थ समझने में सक्षम हो तो उन्हें भी आंख बंद करके बैठने की आदत लगाई जाए और धीरे धीरे ध्यान की परंपरा को सिखाया जाए। वास्तव में ये हमारी परंपरा है। जब हम सेवा पूजा के विषय में इस तरह से अर्थ गठन करते हैं तो कई बार सुंदर साथ कहते हैं कि परंपरा का खंडन हो रहा है, ये तो निजानंद संप्रदाय की परंपरा है, आप परंपरा के विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? हमारी परंपरा क्या है? तहां चितवनी धाम की करत है सब कोए, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए, ये हमारी परंपरा है। अष्ट प्रहर की लीला में सुंदर साथ ने जिस प्रकार वाणी मंथन की, जिस प्रकार निरंतर चर्चाएं की, चर्चाएं सुनी, जिस प्रकार श्री जी की सेवा की, वास्तव में वो हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा में प्रेम है, हमारी परंपरा में सेवा है, हमारी परंपरा में चितवनी है, वाणी मंथन है, ये वास्तव में हमारी परंपरा है। इसके अतिरिक्त बाकी तो बाद में लोगों ने बनाए हैं, दूसरे संप्रदायों की नकल कर करके षोडशोपचार पूजा हमारे समाज में भी प्रारंभ की गई है, जबकि देवचंद्र जी भोग सामने रख करके चितवनी करते हैं। अब उसी घटना को आगे बढ़ाते हुए आगे का वर्णन करते हैं कि ब्रजमंडल में गए हैं ऐसा देवचंद्र जी को आभास होता है। आगे कहते हैं, जहां जसोदा जी बैठी थी ऊपर माची के, देखे दूध उठावते
टहेल कराओते। यशोदा माता आंगन में बैठी हुई हैं और दूध उबाल रही हैं, दूध गर्म करा रही हैं। और अब गर्म दूध करने में ये होता है कि छोटे मोटे काम साथ साथ में कर सकते हैं, पर जैसे ही ध्यान भटका तो दूध उबल करके बाहर आ जाता है। जो माताएं रसोई में काम करने वाली हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि कई बार आप 15 मिनट से चूल्हे के सामने देख रही हैं कि दूध गर्म हो रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, तब तक कुछ नहीं होता। और 15 सेकंड के लिए ध्यान भंग हो गया तो क्या होता है, इतने में ही दूध उबल करके बाहर आ जाता है। तो इसीलिए यशोदा माता वहाँ पर बैठी हुई हैं और पास में बैठ करके थोड़े मोड़े काम कर रही हैं। वहाँ देवचंद्र जी पहुँचते हैं, लेकिन किस भाव में पहुँचते हैं? वो देवचंद्र जी के रूप में नहीं पहुँचे हैं। किस रूप में पहुंचे हैं? राधा जी के रूप में। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उन्होंने मंत्र भी लिया था तो उस समय भी जब ये मंत्र लिया ना, भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, तो वहां पर भी हरिदास जी ने उन्हें ये सिखाया था कि सखी भाव होए भजियो, सखी भाव से बजना है। और जब बाल मुकुंद जी ने दर्शन दे करके देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान कराई थी तब भी कहा था कि ये तो वो राधा रानी है, रास बिहारी, जिनकी कृपा से मैं अखंड हुआ हूँ। इसलिए अब वो उसी भाव में स्वयं को मानने लगे थे। तो अब वहाँ देवचंद्र जी पहुँचे हैं। आप, मैं देवचंद्र जी कहूँगा, आप राधा जी के रूप में समझ लेना, कोई बात नहीं इसमें। तो देवचंद्र जी वहां पहुंचते हैं, जैसे ही यशोदा जी देखती हैं तो बुलाती हैं उन्हें। अब उन्हें पूछते हैं देवचंद्र जी कि कृष्ण जी कहाँ पर हैं? यशोदा माता कहते हैं कि वन में गए हैं खेलने के लिए। देवचंद्र जी कहते हैं कि मेरा मन उन्हीं में लगा हुआ है, मैं तो कृष्ण जी से मिलने आई हूं। और वहां से वन जाने के लिए तैयार होते हैं। इतने में यशोदा जी कहते हैं कि अच्छा थोड़ी देर रुक जाओ, कुछ मिठाइयाँ लेकर के जाओ। तो वो मिठाई मंगवा करके देती हैं और कहती हैं कि दोनों मिलकर के खाना। देवचंद्र जी मिठाई लेकर के वन में जाते हैं जहाँ पर बाल गोपाल छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, और वहाँ जाके पूछते हैं कि कृष्ण जी कहाँ पर हैं। बच्चे क्या जवाब देते हैं कि आप कौन से श्री कृष्ण की बात कर रहे हो, यहाँ पर तो टोले टोले में कृष्ण है। टोली क्या कहते हैं? ग्रुप को, समूह को। तो ये कहते हैं यहाँ तो हर समूह में कृष्ण है। फिर उन्होंने कहा कि कृष्ण जी नाम जब बहुतों का है तो मुझे नंद जी के बेटे कृष्ण से मिलना है। तो कहते हैं कि नंद भी बहुत सारे हैं, क्योंकि नंद उस समय पद हुआ करता था, जिसके पास कुछ विशेष संख्या में गाय होती थी। वैसे तो पौराणिक परंपरा में तो ये कहा जाता है कि जिनके पास 900,000 गाय हो उनको नंद कहा जाता है, ऐसा मैंने कई जगह पर सुना है। पर मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, एक व्यक्ति के पास में 900,000 गाय हो ये संभव नहीं हो सकता है। और वो भी एक के पास 900,000 गाय हो ऐसा नंद, और ऐसे नंद भी अनेक हो, फिर तो ये अतिशयोक्ति मालूम होता है। खैर जो भी रहा हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो नंद के बेटे कृष्ण भी कई सारे हैं, आपको कौन से वाले कृष्ण से मिलना है? तो देवचंद्र जी कहते हैं कि यशोदा जी के बेटे से मिलना है। और इतने में कृष्ण जी देवचंद्र जी को कहते हैं कि आइए, बुलाते हैं आवाज़ दे करके, अपने पास बैठाते हैं और बहुत प्रेम से बात करने लगते हैं। अब वहाँ एक तो यशोदा माता ने जो मिठाई दी है वो भी है, और घुघरी की मिठाई बनाई होती है वहाँ पर लोगों ने, वहाँ जो ग्वाल बाल होते हैं। घुघरी क्या होता है? गेहूं जो होता है ना, गेहूं को साबुत ही उबाल लिया जाता है। जैसे दलिया बनता है तो दलिया क्या करते हैं, दलिये को तो आजकल थोड़ा पीसा जाता है दरदरा सा, और उसके बाद उसको पकाया जाता है। पर घुघरी में पूरा साबुत ही गेहूं होता है, जिसको भिगो करके उबाल करके दूध और फिर शक्कर इत्यादि डाल करके बनाया जाता है। तो एक तरह से दलिया ही समझ लीजिए। तो ऐसी मिठाई उन्होंने बनाई होती है।
और जब वो उबाल रहे होते हैं गेहूं, तो ग्वाल बाल जो हैं रुमाल में गेहूं डाल करके निचोड़ करके पानी निकाल रहे होते हैं। जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं तो उसका पानी निकालते हैं ना कपड़े में, उसी प्रकार देवचंद्र जी जो मिठाई घर से लेकर के आए होते हैं उसको वो आगे रख देते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ये ग्वाल बाल को दे दो बांटने के लिए। और जब बच्चों को दे दिया ग्वाल बालों को, और उन्होंने कहा कि हम दोनों के हिस्से की जो मिठाई है वो हमें दे देना, बाकी आप लोग आपस में बांट लेना। अब जब देवचंद्र जी का हिस्सा उन्हें मिला और उसे खाने के लिए जैसे ही मुंह की तरफ वह हाथ लेके जाते हैं, तो इधर जहां वो ध्यान में बैठे हुए हैं यहां का हाथ भी हिल जाता है। तो जैसे ही यहां हाथ हिला तो तुरंत ध्यान भंग हो जाता है, ध्यान से वो चौंक जाते हैं। कभी कभी होता है ना, जैसे जब हम तंद्रा अवस्था में होते हैं, अवचेतन मन कार्य कर रहा होता है, हम पूरी तरह से सोए नहीं होते हैं। देखिए ध्यान की अवस्था और स्वप्न अवस्था में काफी हद तक समानताएं हैं। जैसे कभी कभी हम दोपहर में जब सोए होते हैं, विशेष रूप से रात को तो ऐसा नहीं होता, पर दोपहर में सोए होते हैं, मान लो कि कोई कुछ खेलता हो तो उसको, जैसे फुटबॉल खेलने वाले हैं ना यहाँ पर बच्चे, तो उनको दिखाई पड़ेगा कि फुटबॉल आपकी तरफ आ रहा है, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ का जो शरीर है आपका पैर भी हिलता है, ठीक है। या कोई हाथ से रोकने की कोशिश करेगा तो हाथ भी हिलता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, कभी कभी तो टीवी देखते हुए भी जो बहुत ज़्यादा मगन हो जाते हैं ना, मैंने कई बार देखा है। आजकल तो खैर इतना ज़्यादा क्रेज नहीं है स्पोर्ट का, खेल का, क्योंकि आज हर व्यक्ति के हाथ हाथ में मोबाइल फोन इत्यादि उपलब्ध है, तो बच्चे उसी में गेम में घुसे रहते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले के समय में स्पोर्ट्स को देखने के लिए भी किसी एक के घर पर टीवी होती थी। आज से मैं बात कर रहा हूँ 20-22 साल पुरानी, जब मैं बहुत छोटा था उस समय भी पूरे गांव में एक या दो टीवी हुआ करती थी, लोग इकट्ठे होकर के सब लोग गेम देखते थे, फुटबॉल हो क्रिकेट हो, और उसमें ना देखने में इतना ज़्यादा मगन होते थे कि अगर टीवी में खिलाड़ी बॉल को किक मार रहा है तो यहाँ देखने वाले का भी पैर उसी तरह से चलता था, क्योंकि वो इतना मगन हुआ है। तो मन और तन का जो संबंध है वो जिस प्रकार आपस में है वो दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, देवचंद्र जी की जो सुरता पहुंची है, उनकी जो चित्त वृत्ति पहुंची है राधा जी के रूप में, तो उधर जो हाथ हिला तो यहाँ पर भी हाथ हिल गया, और यहाँ हाथ हिलते ही ध्यान भंग हो गया। अब कई बार क्या होता है कि सुंदर साथ कहते हैं कि चितवनी की क्या जरूरत है, हम तो चलते फिरते ध्यान कर लेते हैं, एक जगह पर बैठने की क्या जरूरत है, राज जी को तो किसी भी तरह से याद करना है ना, तो याद करने के लिए बैठने की क्या जरूरत है एक जगह पर, इस तरह से प्रश्न करते हैं। कई लोग कहते हैं, मैंने एक सुंदर साथ से, मैं अपने कान से, ऐसा भी नहीं कि किसी दूसरे ने कहा हो, मेरे सामने एक सुंदर साथ बात कर रहे थे, लगभग 8-10 साल पुरानी बात है, कहते हैं कि मैं तो गाड़ी चलाते चलाते भी ध्यान करता हूँ, और राज जी महाराज मेरी गाड़ी की स्टेयरिंग को चलाते हैं। अब ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे समाज में गलत परंपरा प्रारंभ हो रही है। देखिए गाड़ी चलाते चलाते बिल्कुल सीधा रास्ता है, और दो सेकंड के लिए आंख बंद करके राज श्यामा जी ऐसे बोलना, सोचना, उन्हें याद करना अलग बात है, पर यह कहना कि हम तो गाड़ी चलाते चलाते ध्यान कर लेते हैं, खैर आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया है, अपने आप गाड़ी चलती रहती है, कुछ नहीं करना पड़ता, तब तो 2 मिनट तक बात बन सकती है इंडिया की सड़कों में, लेकिन उसके अलावा तो नहीं हो सकता। अच्छा एक सुंदर साथ ऐसी थी, आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात है, हम तो बहुत छोटे थे उस समय, ज्ञानपीठ की ही बात कर रहा हूँ मैं,
तो मैं स्वामी जी के पास बैठा हुआ था। माता जी आई और बोलती हैं कि स्वामी जी हमें तो खाना बनाते हुए तवे पर राज जी दिखते हैं, तवा नहीं होता जिसमें रोटी बनाया जाता है, तो उस पर राज जी दिखते हैं, इस तरह से बातें होती थी। ठीक है, ये सब क्या है? इसमें दो दो प्रकार की घटनाएं हैं। एक तो ये कि कई बार लोगों के मन में प्रतिष्ठा की इतनी अधिक इच्छा होती है कि बनावटी कहानियां सुनाने लगते हैं कि हमें ऐसा अनुभव होता है, वैसा अनुभव होता है। और दूसरा कि माताएं भावुक होती हैं, और ये हो सकता है कि खाना बनाते हुए राज जी को याद कर लिया कि राज जी हमारे सन्निकट हैं, राज जी पल पल हमारे साथ हैं। इस तरह से याद करना तो ठीक है, लेकिन ये कहना कि चलते फिरते हमारा ध्यान होता है, हम तो साइकिल चलाते चलाते ध्यान कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। भावलीनता हो सकती है, आपके मन में भाव आया 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए कि राज जी हमारे साथ हैं, राज श्यामा जी, राज जी को प्रेम से याद किया, यहाँ तक तो ठीक है, पर उसे चितवनी नहीं कहते। अब सवाल ये होता है कि उसकी ज़रूरत क्या है? जब हम चलते फिरते राज जी को याद कर रहे हैं, जब हम खाना बनाते बनाते याद कर रहे हैं, खाते समय भी आंख बंद करके राज जी का नाम लेकर के खा रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए भी हम राज जी को याद कर रहे हैं, तो फिर एक जगह पर बैठने की क्या आवश्यकता? देखिए, बैठने की आवश्यकता इसीलिए है कि जिस प्रकार पति पत्नी हैं, पति जब ऑफिस जाते हैं काम करने के लिए या घर से बाहर होते हैं किसी भी काम के लिए, अगर 24 घंटे के लिए बाहर रहना हो, और यदि पति पत्नी में प्रेम हो तो क्या होता है? आजकल तो फोन का जमाना है, अगर फोन नहीं होता तो क्या होता कि खाना खाते समय भी ये मन में आता कि उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा। ठीक है, यदि सोने का समय हुआ होता तो मन में होता कि हम तो यहाँ पर अच्छे से कमरे में सो रहे हैं, वो घर के बाहर हैं, जगह मिली होगी कि नहीं मिली होगी। ट्रेन में अगर जा रहे हैं, वेटिंग की टिकट, बाई चांस में केवल एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कैसे याद किया जाता है, अगर वेटिंग की टिकट रही होगी तो दिमाग में आएगा कि सीट मिली होगी कि नहीं मिली होगी, इस तरह से। और जब फ़ोन का आविष्कार हो गया, आज हाथ हाथ में फ़ोन है तो घड़ी घड़ी मैसेज करते रहते हैं कि कहाँ पहुँचे, खाना खाया कि नहीं खाया, अगर बीमारी है किसी प्रकार की या रेगुलर कोई दवाई चलती है तो मैसेज करेंगे कि दवाई लिया कि नहीं लिया, सीट मिल गई कि नहीं मिल गई, ठीक है, समय पर सो जाना, ये सारी चीज़ें होती है। एक एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है अगर थोड़ा सा भी लगाव है तो। अब मान लीजिए कि एक एक बात पूछी जाए, लेकिन जब पति घर पर आए तो पति के पास बैठा ही ना जाए, पत्नी अपने पति के पास ही ना बैठे, उस कमरे में भी ना जाए, तो क्या कहेंगे इसको? ये कैसा प्रेम है? है कि नहीं? मन में आएगा ना देखने वाले के मन में कि देखो बाहर होते हैं तो एक एक क्षण में याद करते हैं, हर आधे घंटे में मैसेज या फोन होता है, लेकिन पास में बैठना ही नहीं है। तो भावलीनता और चितवनी में इतना ही फर्क है। हम हर काम करते हुए राज जी को याद कर रहे हैं, वो भावलीनता है, पर चितवनी क्या है? राज जी के पास बैठना, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना राज जी के साथ, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चितवनी और भावलीनता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक कैसे? कि यदि आप सुबह और शाम को चितवनी करते हैं तो दिन भर आपके मन में वो भावलीनता आ सकती है कि नहीं? सुबह आप चितवनी कर रहे हैं, बड़े प्रेम से राज जी को याद करते हैं, उसके बाद अपने दिन का काम शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके मन में दिन भर भी राज जी के विचार बने रहेंगे, और रात को जब आप सोने से पहले याद करेंगे तो आपकी रात्रि भी कैसी होगी? राज्यमय होगी। ठीक है, और इसी के साथ अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो जब आप दिन भर हर छोटे बड़े काम को करते हुए
राज जी को याद करते हैं तो चितवनी में भी जब आप बैठेंगे तो आपका मन बहुत जल्दी लगेगा। जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ी देर पहले जब लाइट नहीं थी, सब पंखे वगैरह पूरी तरह से बंद थे, बंद पंखे को स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं, धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ती है। लेकिन अभी जैसे पंखा चालू है, इसको 10 सेकंड के लिए बंद कर दिया जाए तो 10 सेकंड में रुकता तो नहीं है पंखा, पंखुड़ियाँ इसकी घूमती रहती है, और घूमती हुई अवस्था में ही अगर पुनः इसका स्विच ऑन कर दिया जाए तो क्या होगा, बहुत जल्दी वो स्पीड पकड़ लेगा। तो जब हम चितवनी करते हैं तो समझ लीजिए कि हमने अपने तार राज्य से जोड़ लिए। अब ये पंखा चल रहा है, अब दिन में दूसरे काम कर भी रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो थोड़ी थोड़ी गति में पंखा घूम रहा है, फिर रात को दोबारा जोड़ा। इस तरह से भावलीनता और चितवनी दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जब देवचंद्र जी जो 11 वर्ष की उम्र से जिनका सारा का सारा प्रयास परमात्मा को पाने में है, जिन्होंने योग विद्या भी सीखी है, जिनका जीव पूर्व जन्म में भी योगी रहा है और इस जन्म में भी योग विद्या सीखता है, घर में केवल 3 घंटे के लिए रहते थे पहले और अभी सारे काम करते हुए भी केवल राज्य को अथवा उस समय अपने आराध्य को याद करते हैं, और इस अवस्था में भी जरा से हाथ हिलने पर यदि उनका ध्यान भंग हो सकता है तो हमारी साधना, हमारी तपस्या, हमारी एकाग्रता तो देवचंद्र जी जैसी नहीं है। फिर हम ये दावा कैसे कर सकते हैं कि चलते फिरते हमारा ध्यान लग जाता है? ये ध्यान नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं आडंबर की श्रेणी में आता है कि हम अपनी बड़ाई के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए कह देते हैं कि हमारा तो चलते फिरते ध्यान लग जाता है। अगर ध्यान लग गया तो चलते फिरते कैसे लगेगा? आप बताइए कि मन के बिना इंद्रियां कार्य नहीं करती है कि नहीं? इंद्रियों का राजा कौन है? मन है। जब मन राज्य में लगा हुआ है जिस समय, उस समय ये इंद्रियां माया का काम कैसे कर सकती हैं? नहीं कर सकती ना। जब हमने इतने सारे दृष्टांत सुने, गोपियां उद्धव को डांटती है कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग कौन भजे जगदीश, है ना। तो मन एक समय में एक ही काम कर सकता है, या तो वो राज्य में लगेगा या तो इधर साइकिल चलाएगा, गाड़ी चलाएगा, रोटी बनाएगा, कुछ भी करेगा, है ना। तो इसलिए चलते फिरते ध्यान करना ये केवल भ्रांति है, भ्रम है। जब देवचंद्र जी का केवल हाथ हिलने मात्र से ध्यान भंग हो सकता है तो हम में से कोई भी, इस समय की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सुंदर साथ नहीं होगा जिसकी साधना का स्तर देवचंद्र जी के जैसा रहा हो। देवचंद्र जी ने इतनी कठोर साधना की है। तो इसीलिए हम चितवनी को चितवनी के तरीके से ही करें, उसी पद्धति से, उसी प्रक्रिया से करें। अब जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, जब मैं चितवनी के पक्ष में बोल रहा हूँ, तो किसी के मन में ये शंका हो सकती है कि किरंदन की वाणी तो कहती है ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जो गारंभ कष्ट जो देखाई ब्रज रास में एही वतन चाल ब्रह्म सृष्टि। ब्रज में तो गोपियों ने ध्यान नहीं किया था, ना जप तप ना ध्यान कछु ऐसा कहा है, तो हमें ध्यान करने की क्या जरूरत है, ऐसा प्रश्न हो सकता है। देखिए, ब्रज में गोपियों को ध्यान करना नहीं पड़ा क्योंकि जिसका ध्यान करना था वो प्रत्यक्ष सामने थे, पहली बात। दूसरी बात कि भले ही वे आंख बंद करके नहीं बैठी थी पर 2400 घंटे उनके मन में माया के सारे काम करते हुए ध्यान किसका रहता था? कृष्ण जी का ही रहता था। मैं ये बात शायद पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि ध्यान का अर्थ होता है ध्यानम निर्विषयम मनः, मन को विषयों से रहित करना, और तत्र प्रत्ययिकतानता ध्यानम, आराध्य में एकतानता बने रहना। एकतानता का तात्पर्य जैसे झरने का जल है निरंतर झरता रहता है, उसी प्रकार एकाग्रता बने रहना वो ध्यान है।
तो गोपियों की उसी प्रकार की एकाग्रता कृष्ण जी के प्रति थी, गोपियों के मन में वैसे ही याद रहती थी, इसलिए उन्हें ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। पर वर्तमान में वो अवस्था नहीं है, इसीलिए श्री देवचंद्र जी ने भी की, श्री जी ने की, सब सुंदर साथ को कराया और ब्रह्मवाणी में भी वैसा ही करने का आदेश दिया। तो ये शिक्षा हम इस प्रसंग से लेते हैं, देवचंद्र जी के दर्शन के प्रसंग से, जो कि दूसरी बार दर्शन हुआ। ये दर्शन राज जी ने ही दिया है उन्हें। अब आगे कहते हैं कि कोई एक दिन इन भांत सो हुआ है गुजरान, इन भांत कई विध की कहां लो कहूं पहचान। इस प्रकार की लीला, इस प्रकार की घटना होते हुए कई दिन वहां पर गुजर गए। और उसके बाद अब क्योंकि ये प्रसंग चल रहा था भोजनगर का, अब यहां से देवचंद्र जी को अपनी आध्यात्मिक यात्रा और आगे बढ़ानी है, तो उन्होंने हरिदास जी से सलाह ली। तो हरिदास जी ने उन्हें कहा कि आप नौतनपुरी चले जाइए, वहां पर हमारे गुरुजी कानन जी भट्ट हैं, वे भागवत की कथा करते हैं, भागवत की चर्चा सुनाते हैं, आप वहां जाइए और भागवत सुनिए, जिससे कि आपको और अधिक पहचान हो और अधिक समझ में आए। अब माता पिता भी साथ में आते हैं, पूरा परिवार साथ में आता है। और उस समय जामनगर में राधा वल्लभी संप्रदाय का बहुत अधिक बोलबाला था, काफी अधिक संख्या थी। श्याम जी के मंदिर में कान्ह जी भट्ट नाम के विद्वान कथा करते थे, तो उनसे देवचंद्र जी निष्ठापूर्वक कथा सुनने लगे। अब इसी कथा श्रवण के क्रम में राधा वल्लभियों से थोड़ी खटपट होती है, थोड़ी सी कहीं मनमुटाव की जैसी स्थिति पैदा होती है। और इसका कारण क्या होता है कि देवचंद्र जी ने भागवत कथा सुनते समय एक नियम बनाया, निष्ठापूर्वक नियम। कैसा? कि भागवत मेरी आत्मा का खुराक है, आत्मा का आहार है, जब तक मुझे आत्मा का आहार नहीं मिलेगा तब तक मैं शरीर को भी आहार नहीं दूंगा, और यदि मुझे भागवत की कथा सुनने को मिलती है तो मैं खाना खाऊंगा, जिस दिन कथा नहीं सुनूंगा उस दिन भोजन नहीं करूंगा। ये नियम उनका चल रहा था, तो वो प्रतिदिन भागवत सुनने जाते थे। अगर किसी दिन किसी कारण से विलंब हो गया जाने में और एकाद श्लोक भट्ट जी आगे बढ़ा चुके होते हैं, तो देवचंद्र जी क्या करते हैं, जैसे ही कथा खत्म होती है भट्ट जी के घर पर जाते हैं और कहते हैं कि मैं जब पहुंचा तो ये श्लोक चल रहा था, तो मेरे आने से पहले जो जो श्लोक आपने सुनाए हैं कृपया मुझे उसकी चर्चा सुना दीजिए। अब भट्ट जी को क्या करना पड़ता था, बेचारे भट्ट जी भी अच्छे थे, वो भागवत मंगाते थे मंदिर से और उसे खोल करके श्लोक पढ़ करके उसका अर्थ सुना देते थे, और ऐसा कोई दूसरा जिज्ञासु व्यक्ति मिला नहीं था उन्हें। तो भट्ट जी ने सोचा कि अब रोज रोज भागवत घर में मंगानी पड़े तो उससे अच्छा यह है कि देवचंद्र जी के आने तक थोड़ी सी प्रतीक्षा की जाए, जब इतनी जिज्ञासा वो रख रहे हैं तो इतना तो बनता है। और ये बात उस समय उस शहर में जो चौधरी रहते थे, चौधरी मतलब जो थोड़े व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, जिनके खर्चे से मंदिर चला करता था, उस समय के हिसाब से ट्रस्टी जो रहे होंगे, तो उन्होंने सोचा कि हम तो मंदिर में खर्चा देते हैं, सेवा देते हैं, देवचंद्र जी ऐसा क्या देते हैं कि हम किसी दिन यदि देरी हो जाती है हमें पहुंचने में, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि भट्ट जी ने हमारे लिए कथा रोके रखी हो, हमारी प्रतीक्षा की हो, और ये कल के आए हुए, अभी तो लगभग 26 वर्ष की उम्र है ना, 26 वर्ष की उम्र से उन्होंने भागवत सुनना शुरू किया, तो कह रहे कल का आया हुआ जवान लड़का है और उसके लिए ये भागवत की कथा रोके रखते हैं। तो उन्होंने जाकर के पूछ दिया भट्ट जी को कि भट्ट जी
इनसे आपका क्या रोजगार है, मतलब इन्हें इनसे आपको क्या मिलता है कि आप उनकी प्रतीक्षा करते हैं और कभी हमारी तो नहीं की। तो ये होती है ईर्ष्या। अब उनके मन में ईर्ष्या आई, भट्ट जी ने क्या जवाब दिया कि देखिए मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मैं अपने कान्हा को रिझाने के लिए, अपने भगवान को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए भागवत की कथा सुनाता हूं, और मुझे तो जो कुछ प्राप्त होता है वो इन गरीब से क्या प्राप्त होगा, जो कुछ मिलता है वो आप ही लोग देते हैं। पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप आने में देरी करें और कोई श्लोक आगे में बढ़ जाऊं तो आपने दोबारा कभी आकर तो पूछा नहीं है। और देवचंद्र जी क्या करते हैं, घर में आकर के पूछते हैं, मुझे भागवत दोबारा मंगवानी पड़ती है, खोलनी पड़ती है, इसीलिए मैं उनकी प्रतीक्षा करता हूँ। अब उनके पास कहने को कुछ था नहीं, सेठ साहूकारों के पास, तो उस समय तो चुप रहे, लेकिन जैसे मैंने कहा पहले ईर्ष्या की बात, ईर्ष्या और निंदा ये दो सगी बहनें हैं। जहां ईर्ष्या होगी वहां निंदा जरूर होगी, बिना ईर्ष्या के निंदा हो ही नहीं सकती। देखिए अगर किसी के मन में ईर्ष्या नहीं है और वो व्यक्ति किसी की गलती निकाल रहा है तो वो सुधार की भावना होती है, वरना जिसके मन में ईर्ष्या होती है वो फिर सामने बात नहीं करता, वो पीठ पीछे दूसरे लोगों के सामने निंदा करता है। और निंदा करने के लिए क्या चाहिए, बातें, पॉइंट्स चाहिए, कमी चाहिए, छिद्र चाहिए। तो अब जो ईर्ष्या करने वाला निंदक व्यक्ति होता है वो बन जाता है मक्खी की तरह। मक्खी पूरे शरीर में जहां साफ सफाई है वहां तो कम बैठेगी या नहीं बैठेगी, लेकिन आपके शरीर में कहीं घाव है तो वहां जरूर बैठेगी। इसी तरह से निंदा करने वाले, निंदक और ईर्ष्यालु जो लोग होते हैं वे उन मक्खियों की तरह होते हैं जो हमेशा गंदगी देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। अब देवचंद्र जी, देवचंद्र वह चंद्रमा है, देवचंद्र जी का चरित्र उस चंद्रमा के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है। इस चंद्रमा में तो आप दाग देखते हैं ना, पूर्णमासी का चंद्रमा निकला होता है तो वहां पर थोड़ा सा दाग जैसा, गड्ढा जैसा दिखाई पड़ता है, कुछ काला काला सा बीच में, पर देवचंद्र जी के चरित्र में नहीं है, वो एक बेदाग चंद्रमा है। लेकिन ढूंढने वाला तो परमात्मा में भी कमियां निकाल देता है कि नहीं, निंदा करने वाला व्यक्ति परमात्मा में भी कमियां निकाल देता है। जैसे कि किसी गांव में एक कुम्हार रहता था, कुम्हार जो मिट्टी का काम करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसी गांव में एक किसान भी रहता है। अब किसान को बारिश की जरूरत है और कुम्हार को धूप की जरूरत, धूप निकले तो किसान कहता है कि परमात्मा तू क्या करता है, तुझे इतनी भी समझ नहीं है, और अगर बारिश हो तो कुम्हार सुनाता है कि परमात्मा तुम्हें इतनी ही समझ नहीं है। एक बार क्या हुआ कि लोग किस तरह कमी निकालते हैं उसी संदर्भ में, एक आदमी ऐसे ही कहीं यात्रा कर रहा था, यही आम का सीजन था, कहीं जा रहा था, आम के पेड़ को देखता है बड़े से, अच्छा आम के मौसम से पहले सब्जियों में कद्दू का सीजन होता है, पता ना आपको, अभी एक डेढ़ महीने पहले ही कद्दू का सीजन खत्म हुआ, पर कद्दू अभी भी खत्म नहीं हुए हमारे यहाँ, है कि नहीं। तो अब वो आदमी कहता है कि परमात्मा, उसको परमात्मा किसने बनाया, उसको इतनी समझ नहीं है। सोचो इतनी पतली पतली बेलें होती है और इसमें इतने बड़े बड़े कद्दू दिए हैं और इतने बड़े बड़े आम के पेड़ होते हैं, उसमें इतने इतने से आम दिए हैं, अगर मैं परमात्मा की जगह पर होता तो आम के पेड़ पर कद्दू फलाता और कद्दू की बेल पर आम रखता, सही मैनेजमेंट तो यही है ना,
है कि नहीं। छोटी सी बेल है तो उसमें छोटा फल होना चाहिए, बड़ा पेड़ है तो उसमें बड़ा फल होना चाहिए, है कि नहीं। ऐसा उस व्यक्ति ने सोचा। अब चलते चलते बेचारा थक गया, आम के पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए थोड़ी देर लेट जाता है। ऊपर से आम गिरता है, उसके सिर पे लगता है। जब सिर पे लगता है तो उसे अकल आती है कि नहीं, परमात्मा का मैनेजमेंट सही है। अगर आम के जगह पर कद्दू होता तो, समझे? तो जहां गलती निकालना होता है तो वहां कहीं भी किसी भी क्षेत्र में गलती निकाली जा सकती है। और दुनिया का तो स्वभाव ऐसा है, ये संसार बड़ा निरंकुश है। आप इस संसार को आप कुछ भी दे दें, आप अपना कलेजा भी निकाल करके देंगे ना संसार को, तो संसार कहेगा इसमें ना खून थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है, या कहेगा कि मुझे ना दूसरे ब्लड ग्रुप का चाहिए था। तो कमी निकालने वाले हर जगह से निकालते हैं। अब देवचंद्र जी में उन्होंने कमी क्या निकाली कि ये एकादशी के दिन भोजन करते हैं, जबकि सारे राधा वल्लभी मार्ग के लोग एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, और द्वादशी को जब भंडारा किया जाता है तब ये उल्टी गंगा बहाते हैं और उस दिन ये उपवास रखते हैं। उनको तो कमी मिल गई। तो अब जाते हैं और जा करके गुरु से निंदा करने लगते हैं। सभा में आकर के कहते हैं कि भट्ट जी, आपने ये कैसी शिक्षा दी है देवचंद्र जी को कि वो तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, द्वादश को उपवास करते हैं और एकादश में ये भोजन करते हैं, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है, या आपने अलग से ऐसा क्यों बताया? और हम तो ऐसा समझते थे कि देवचंद्र जी भागवत रूपी पेड़ के एक एक अंग को समझते हैं, वे सिर्फ व्यंग्य कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि भागवत को यदि वृक्ष माना जाए, पेड़ मान लिया जाए, तो इसके जो स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं इसमें, तो ये डालियां हैं बड़ी बड़ी, और उनमें प्रत्येक स्कंद में फिर अध्याय हैं, तो अध्याय उसकी छोटी छोटी शाखाएं हैं, उसमें श्लोक जो है वे पत्तियां हैं, और श्लोक के जो अलग अलग चरण हैं, शब्द हैं, वो पत्तियों के रेशे हैं। इस संसार में कोई विरला ही होगा जो इस भागवत रूपी वृक्ष के किसी एक डाली को भी समझ पाए, और देवचंद्र जी तो ऐसे हैं कि जो हर डाली के हर पत्ते के रेशे रेशे को समझते हैं। और जब ऐसा समझते हैं तो फिर कर ऐसा क्यों रहे हैं कि एकादशी को खाना खाते हैं, द्वादशी को उपवास रखते हैं। भट्ट जी कहते हैं कि देवचंद्र जी ऐसा नहीं कर सकते, और यदि कुछ करते भी होंगे तो जरूर इसके पीछे कारण होगा। ये देखें, ये भट्ट जी का विश्वास है देवचंद्र जी के प्रति, और विश्वास कमाया जाता है। देवचंद्र जी ने कमाया है वो विश्वास अपनी रहनी से, अपने आचरण से। तो इतने में देवचंद्र जी पहुंचते हैं, भट्ट जी उनको पूछते हैं कि ये सब जो सेठ साहूकार चौधरी कह रहे हैं क्या ये बात सच है, क्या आप एकादशी के दिन भोजन और द्वादशी को उपवास रखते हैं, और यदि ऐसा है तो ऐसा क्यों करते हैं, आप इसका जवाब दीजिए। देवचंद्र जी कहते हैं कि हमने ऐसा प्रण लिया है कि मेरे लिए भागवत आत्मा का आहार है भागवत आहार आत्म को, जो लो सुनने न पावे मन। जब तक मुझे भागवत रूपी आत्मा का आहार नहीं मिलेगा तो वो क्या होता है, सो भागवत द्वादशी को तुम नाही बाचत। आप द्वादशी के दिन भागवत नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए मैं तब आकार को आहार न देवत, आकार अर्थात शरीर को भी मैं उस दिन आहार नहीं देता, और इसके विपरीत
एकादशी के दिन सब उपवास रखते हैं और उस दिन भागवत की जो कथा होती है वो ज्यादा होती है। तो इसीलिए मैं एकादशी को प्रसाद लेता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा को भी खुराक मिल चुका है। और जहां तक सवाल है कि एकादशी के उपवास रखने का या व्रत रखने का, तो वो मैं नहीं रखता, उसका भी कारण है। पहले तो उस कारण तक पहुंचने से पहले मैं आप सबके सामने एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। एक होता है व्रत और दूसरा है उपवास। समाज में क्या चलन है कि आज मेरा सोमवार का व्रत है, मेरे मंगल का व्रत है, कोई हनुमान जी के नाम पे व्रत रख रहा है, कोई शनिदेव के नाम पर रखता है, कोई शिव जी के नाम पर रखता है, कोई नवरात्र का व्रत रखता है, और वो भी साल में दो दो बार आता है ना। वैसे तो कहा जाता है कि तीन नवरात्र आते हैं वर्ष में, जिसके बारे में दो के बारे में साधारण जनता जानती है। एक जो दशहरा के समय में आता है, शरद पूर्णिमा के समय में, और एक आता है चैत्र में, चैत के महीने में। तो कोई नवरात्र का व्रत रख रहा है, कोई सावन के महीने में अलग सभी सोमवारों का रख रहा है, कोई किसी देवी देवता का। तो लोग व्रत कहते हैं, और एक शब्द है उपवास का। पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं कि व्रत क्या है, उपवास क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, सारी बात थोड़ा सा समझते हैं अभी तक के इसी प्रसंग से। देखिए, व्रत का अर्थ तो होता है शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए किया गया संकल्प जो है वो व्रत कहलाता है। जैसे हम विद्यार्थी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमने संकल्प ले लिया कि जब तक हम होमवर्क नहीं करेंगे तब तक भोजन नहीं खाएंगे, जब तक हम इतना याद नहीं कर लेंगे तब तक पढ़ाई करते रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, इस तरह से। या सुंदर साथ हैं, हम सब अभी अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमने ये नियम बनाया कि यदि हमने चितवनी नहीं की तो उस दिन नाश्ता नहीं करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, इस तरह से जो दृढ़ संकल्प लिया गया है तो वो कहा जाता है व्रत। और उपवास का अर्थ होता है जो भोजन नहीं किया जाता है ना, उसको उपवास कहा जाता है। वैसे तो उपवास का शाब्दिक अर्थ होता है उपवस, अर्थात पास में रहना, साथ में रहना, निकट रहना। और पास में रहना क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति उपवास रखता है, भोजन नहीं करता है, तो क्या करता है उस दिन, जिसकी वो पूजा करता है, जिसकी वो भक्ति करता है, उसके पास में रहता है। अब आजकल क्या चल रहा है, आजकल तो मार्केट के हिसाब से लोग उपवास रखते हैं और उपवास के हिसाब से लोग मार्केट चलाते हैं। पहले क्या होता था कि जब उपवास रखा गया है, किसी के भी नाम का रखा जाए, खैर किसी के नाम पे रखना बहुत बाद में प्रारंभ हुआ है, वास्तव में उपवास का कारण भी कुछ और ही है, जिसको अभी मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले होता था कि जब उपवास करते थे तो और कोई इधर उधर का काम नहीं करना है, क्योंकि भोजन नहीं खाया है तो कमजोरी ना आए, फिर वो एक जगह पर बैठते थे और ध्यान करते थे, भक्ति करते थे, स्वाध्याय करते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, उपवास के नाम पर अब मार्केटिंग होती है। जैसे नवरात्रि आएगी ना, तो जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं, जितने भी होटल्स होते हैं, या जितने भी जो नमकीन वगैरह बनाने वाली कंपनी है, वो अलग तरह के नमकीन, अलग तरह के खाने भोजन बनाना शुरू करते हैं। और विशेष रूप से मैं गुजरात की तरफ अगर होता हूँ तो वहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर उपवास वाली खिचड़ी मिलती है, यहाँ पर उपवास वाली नमकीन मिलती है, यहाँ पर उपवास वाला भोजन मिलता है, उपवास वाली थाली मिलती है। जब थाली ही खानी है तो उपवास क्यों रखना है ना। उपवास का तात्पर्य ये है कि उस दिन पेट को आराम देना है, तो खाने के बारे में नहीं सोचना है, और खाने के बारे में नहीं सोचना है तो ज्यादा से ज्यादा उस दिन जिसकी आप भक्ति कर रहे हैं, अपने आराध्य के बारे में चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए। लेकिन उस दिन उल्टा होता है,
सामान्य दिनों में व्यक्ति खाने के बारे में कम सोचता है, क्योंकि जो रेगुलर चल रहा है वही खाना है। दाल चावल सब्जी रोटी खाओ, हो गया, तो बनाने में भी कोई झंझट नहीं है। अच्छा, आजकल जिसको व्रत का नाम दिया जाता है उपवास को, तो उस दिन खाने के बारे में ज़्यादा सोचा जाता है कि आज मेरा उपवास है तो आज मैं क्या क्या खा सकता हूँ, आज ऑप्शन में क्या क्या है। तो साधारण दिनों से ज़्यादा लोग उपवास के दिन खा जाते हैं मजाक में, तो ये उपवास के नाम का भी मजाक बन गया है। और अब सवाल ये था कि उपवास क्यों किया जाता है। देखिए, हमारा जो सिस्टम है शरीर का, ये प्रतिदिन काम करता रहता है। इसको हम थोड़ा सा साइंटिफिकली जाते हैं, वैज्ञानिक रूप से। हमारे शरीर को, या यूं कहें कि दिमाग को, क्योंकि भूख ना पहले दिमाग में लगती है, ठीक है, पेट में जो भूख लगी ना उसको दिमाग से सहन किया जा सकता है कि नहीं, लेकिन दिमाग में जब भूख लग जाए तो तब सहन नहीं होता है। तो हमारा जो दिमाग है वो हर 4 से 6 घंटे के अंतराल पर खाना मांगता है, ठीक है, 4 घंटे से लेकर के 6 घंटे के बीच में वो खाना मांगता है। और एक्चुअल में खाने का मतलब उसके लिए ये नहीं है कि उसको पनीर खाना है, छोले भटूरे खाना है, समोसे कचौरे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शरीर को खाना चाहिए, इसका मतलब है ग्लूकोज या प्रोटीन, ठीक है, ये चीज़ें, क्योंकि शरीर को तो ऊर्जा चाहिए ना। ऊर्जा किससे मिल रही, क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपको रसोई में खाना बनाना है तो आग चाहिए, अब वो आग जो है वो शीशम की लकड़ी की है या फिर चंदन की लकड़ी की है या घास फूस जला करके पका रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, आग तो आग है। इसी तरह से शरीर को तो प्रोटीन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, किससे आप शरीर तक पहुंचा रहे हैं वो अलग बात है, वो सब फिर टेस्ट बर्ड है, जीभ में जो स्वाद की ग्रंथियां होते हैं ना, बाकी सब तो उसका काम है। तो जब हर 4 से 6 घंटे में मनुष्य का शरीर भोजन मांगता है, इसका मतलब है कि दिन में कितनी बार, 4 बार, ठीक है, 6 घंटे के हिसाब से दिन में औसतन 4 बार, हम खाते 3 बार है, ठीक है, तो दिमाग मांगता है 4 बार, हम खाते 3 बार है, पर जरूरत जो है वो 1 बार या 2 बार की होती है, शरीर को आवश्यकता उतनी होती है। अब जो आवश्यकता से अधिक खाया है उसका क्या होता है, वो स्टोर होता रहता है हमारे शरीर में, किस रूप में, चर्बी के रूप में, जिसको हम फैट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप 3 बार खाते हैं तो क्या होगा, आपके शरीर में जितना प्रयोग होना होता है वो हो जाता है, स्थूल भाग जो है वो मल के रूप में निकल जाता है, कुछ हिस्सा आप यदि शारीरिक परिश्रम करने वाले हैं, जो काफ़ी परिश्रम करते हैं ना, जैसे मेहनत मजदूरी का काम करते हैं या फिर खेलकूद करते हैं, तो उनका तो काफ़ी सारा हिस्सा जल जाता है, ख़त्म हो जाता है, इस शरीर में लग जाता है, लेकिन जो परिश्रम शारीरिक रूप से कम करते हैं तो उनके शरीर में वो चर्बी के रूप में, फैट के रूप में वो जमा होता रहता है। ये सब क्या है, प्रोटीन ही है, ठीक है, चर्बी वगैरह सब प्रोटीन है। अब उपवास क्यों किया जाता है, जैसे इसको ना मैं एक उदाहरण देता हूँ, हमारे स्टोर में ड्रम है, ठीक है, ड्रम में आप दिन में, 1 दिन में 3 किलो अनाज डालो, ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 किलो निकालो, डेली 3 किलो डालते हो, 2 किलो निकालते हो, तो क्या होगा, 1-1 किलो जो है वो ड्रम में स्टोर होता रहेगा। अब निकालते आप कम है, तो जो निकल नहीं पा रहा है वो गेहूं धीरे धीरे सड़ने लगेगा ना, सड़ता है कि नहीं सड़ता है, तो इसी तरह से अब हमारा जो शरीर है उसको ड्रम समझ लीजिए, तो इसमें जो भी प्रोटीन अंदर जा रहा है धीरे धीरे स्टोर होने लगता है, और जो प्रोटीन सड़ जाता है
और कहीं प्रयोग नहीं होता है अगर, तो वही प्रोटीन बाद में सड़ जाता है, अर्थात वो प्रोटीन कैंसर सेल्स बनता है। ठीक है, आप किसी भी डॉक्टर को पूछेंगे, कोई भी आज का थोड़ा बहुत भी साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति को पूछेंगे कि कैंसर क्या होता है, तो वो सब कहेंगे कि प्रोटीन के ही सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, उपवास करने का लाभ ये है कि देखिए शरीर को तो क्या चाहिए, मैंने कहा ना ऊर्जा चाहिए। अब चाहे आप सड़ी हुई लकड़ी डाल करके आग जला रहे हैं या फिर बिल्कुल ताजी नई लकड़ी जला रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जब आप शरीर को, जैसे मान लीजिए कि रात को आप खाना नहीं खाते हैं तो क्या होगा, शरीर को तो चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा, जो आपके पास जमा है ना पहले से वहां से लेता है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम उपवास रखते हैं तो उस दिन जितने समय का उपवास होता है, जितनी बार का, जो 6 घंटे का सर्कल है ना, उसमें से जितनी बार का हम गैप करते हैं, उतनी ही बार हमारे शरीर में से जो पहले से ही प्रोटीन जमा है उसमें से लेकर के शरीर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करता है। तो धीरे धीरे करके सारी जो चर्बी है वो समाप्त हो जाती है, सारी सड़ी हुई जो प्रोटीन है वो भी समाप्त हो जाती है, और जो नियमित रूप से उपवास करते हैं उन्हें कैंसर का खतरा लगभग 70% तक कम होता है। उसके अलावा भी कैंसर के कारण है ना, जैसे पेस्टिसाइड्स वगैरह का आजकल धड़ल्ले से प्रयोग होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो पुराने समय के लोग होंगे, जो हुक्का भी पीते होंगे, बीड़ी पीते होंगे, वो लंबे समय तक जी रहे हैं, और आजकल के जिन्होंने तंबाकू भी कभी मुंह में नहीं डाला, गुटखा मुंह में नहीं डाला, वो कैंसर से मर रहे हैं। तो उसका कारण क्या है, आजकल जो यूरिया, विभिन्न तरह के पेस्टिसाइड्स, केमिकल वगैरह प्रयोग होते हैं खाने में, तो वो भी कारण है। तो उसका फैक्टर एक तरफ है, लेकिन जो नियमित रूप से उपवास रखता है कम से कम हफ्ते में एक बार 24 घंटे के लिए, और डेली दिन में, जैसे हम जो दोपहर का भोजन खा लेते हैं ना, दिन में हम 2 बार भोजन करें, और दिन के अंतिम भोजन और अगले दिन के पहले भोजन के बीच में कम से कम भी 14 से 16 घंटे का गैप होना चाहिए। तो वैसे तो साधारण नियम तो ये है कि शाम को 6 बजे के आसपास खाया जाए, और फिर अगले दिन लगभग 9 से 10 बजे के बीच में खाया जाए। तो जो सबसे स्वस्थ जो दिनचर्या है वो ये है कि सुबह 9-10 बजे एक बार खाया, और फिर दोपहर को हल्का फुल्का खाया, शाम को लगभग 6 बजे के आसपास हल्का कुछ खा लिया, और फिर पूरे रात भर हमने पेट को आराम दिया। ये सबसे अच्छी दिनचर्या है। जिन लोगों को शारीरिक परिश्रम नहीं करना होता है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, और जो शारीरिक परिश्रम करते भी हैं वो हफ्ते में एक दिन का उपवास कर सकते हैं। अब ये तो हो गया लॉजिक, ये हो गया साइंस, पर धीरे धीरे ये लॉजिक बताने वाले लोग हमारे समाज से जब गायब होते गए, तो लोगों ने इसी बात को परंपरा बना डाली कि किसी भगवान के नाम पर कराएंगे तो लोग कर भी लेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए लोगों ने शिव जी के नाम पर किसी दिन किसी दिन किसी देवी देवता के नाम पर ऐसे उपवास कराना शुरू किया। तो तब तक भी ठीक था, चलो साइंटिफिक रूप से वो लोग सही कर रहे थे, उपवास रख रहे थे। फिर बाद में तो लोगों ने विकल्प ढूंढना शुरू किया कि उपवास वाले दिन क्या क्या खा सकते हैं, तो पेट भर के फल खा लेते हैं, बात तो वही हो गई ना, फिर उपवास रखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। पेट भर के फल खा रहे हैं, और क्या बोलते हैं, साबूदाने की खीर खा रहे हैं, और कुट्टू के आटे की रोटी पूड़ी बना करके खा रहे हैं, क्योंकि आपके पास विकल्प है। तो ऐसे उपवास का कोई लाभ नहीं है। तो मैंने आपको उपवास करने का कारण बताया, उसके लाभ बताए। अब व्रत के बारे में, क्योंकि वैसे तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दृढ़ संकल्प के द्वारा ही दीक्षा की प्राप्ति होती है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब प्रसंग आता है कि ये एकादशी का उपवास क्यों रखते थे, जिसको व्रत कह रहे थे, एकादशी का व्रत क्यों रखते थे। तो भागवत में एक कथा आती है जिसका कुल मिलाकर के, मैं पूरी कहानी वर्णित नहीं कर रहा हूँ, आपको ढूंढना है तो आप यहाँ से जाकर के गूगल कर लेना कि एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के उसका सार ये था उस कहानी का कि जो 125 करोड़ एकादशी का उपवास रख लेता है या व्रत जिसको कहते हैं लोग, तो 125 करोड़ एकादशी का व्रत करने पर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। किसकी? स्वर्ग लोक की। चलिए मान लेते हैं, लेकिन इसमें ना बहुत सारे प्रश्न होते हैं। पहला प्रश्न कि एक मनुष्य अपने जीवन भर में कितने उपवास रख सकता है। एक महीने में 2 एकादशी आते हैं, ठीक है ना, एक शुक्ल पक्ष का एक कृष्ण पक्ष का। साल भर में कितने एकादशी हुए? 24। अगर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की मान ली जाए तो कितने उपवास हुए? 2400। और वो भी तब जब पैदा होते ही उपवास करना शुरू किया, तब वो भी संभव तो नहीं है। फिर भी मान लिया जाए कि माता पिता ने एक दिन को नहीं खिलाया होगा, महीने में 2 दिन नहीं खिलाया होगा, ऐसे जबरदस्ती करा दिया होगा, तब भी 100 वर्ष तक यदि उपवास रखते हैं एकादशी के, तब जाकर के 2400 एकादशी के उपवास पूरे होते हैं। तो 125 करोड़ एकादशी रखने में कितना समय हो जाएगा, कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर के 125 करोड़ एकादशी के उपवास को पूरा किया जा सकता है। और उसके बाद भी क्या मिलेगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और जिस भागवत में ये स्वर्ग की प्राप्ति का तरीका बताया है, वही भागवत कहता है कि महाप्रलय में स्वर्ग का तो नाश हो जाता है, तो फिर उसकी आवश्यकता क्यों है। और दूसरी बात कि देवचंद्र जी कहते हैं श्री परब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, तिनको सुन के स्वर्ग का साधन एक रत। कि भागवत में तो परब्रह्म की लीला का वर्णन किया गया है, अखंड व्रज की बात है, अखंड रास के बारे में संकेत किया गया है, उसको सुनकर के भी हमें स्वर्ग क्यों चाहिए। विष्णु भगवान के भी अगर भक्त हैं तो उन्हें तो वैकुंठ की कामना होनी चाहिए, चलिए वैकुंठ तो स्वर्ग से ऊपर ही है। और दूसरी बात कि हमें तो वैकुंठ की भी कामना नहीं है, इसीलिए देवचंद्र जी ने जब ये सारी बात रखी कि न मुझे स्वर्ग की कामना है न मुझे वैकुंठ की कामना है, इसलिए मैं एकादशी का उपवास नहीं रखता हूँ, और इसलिए भी नहीं रखता हूँ क्योंकि उस दिन मुझे भागवत की कथा मिलती है, उस दिन मुझे आत्मा का आहार मिलता है, और द्वादशी के दिन आप मुझे आत्मा का आहार नहीं देते, आप भागवत की कथा नहीं करते, सब लोग भंडारे में व्यस्त होते हैं, इसलिए मैं आहार नहीं करता हूँ। तो इस प्रकार अब कहते हैं तब कान्हजी भट्ट ने कहया देव इनका उत्तर। भट्ट जी कहते हैं उन सेठों से कि अब बताइए, अब आप उत्तर दीजिए। तो कहते हैं जवाब न आया काहू को धन धन कहया यों कर। जब किसी को कोई जवाब ही नहीं आया, सब निरुत्तर हो गए, तो उन्होंने कहा देवचंद्र जी आप धन्य हैं। इस प्रकार अब उन चौधरियों ने उन सेठों ने देवचंद्र जी को परेशान करना, देवचंद्र जी की बुराई ढूंढना बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गए कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है। अब देवचंद्र जी इस प्रकार निरंतर चर्चा सुनने लगते हैं और इतने भाव से चर्चा सुनते हैं कि जहाँ कहीं प्रेम का ऐसा प्रसंग आए तो क्या कहते हैं, नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। जहाँ सरस अर्थात रसमयी प्रेममयी कोई बात आती है, प्रेम का प्रसंग आता है, तो भावुक इतने हैं कि उनके नैनों से उनके नेत्रों से आंसू की वर्षा होती है, अश्रु वर्षा होती है। और इस तरह एक दिन दो दिन की बात नहीं है, कितने दिन चर्चा सुनते हैं, यों 14 वर्ष निष्ठा बंध वचन ग्रहे सबसार या उपरांत कृपा भई ताकू कहूं विचार। 14 वर्ष तक निरंतर सुनने पर, और हम क्या करते हैं कि चर्चा सुनते हुए इतना समय हो गया, हमें सेवा करते हुए इतना समय हो गया, हमें चितवनी करते हुए इतना समय हो गया, हमें राज्य नहीं मिले। देवचंद्र जी का जो चरित्र है वो हमें दृढ़ संकल्प सिखाता है, देवचंद्र जी का जो चरित्र है वो हमें निरंतर प्रयास करना सिखाता है। हमने
चर्चा तो सुनी, इतने वर्ष हुए पर निरंतरता तो नहीं है ना। हम चर्चा साल भर में कितना सुनते हैं? क्या हमने नियम बना रखा है कि प्रतिदिन एक घंटे तो चर्चा सुननी है? कोई नियम है हमारा? नहीं है ना। हम साल में एक महीना बीतक की सुनते हैं, उसके बाद मान लीजिए कि 7 दिन का वार्षिक उत्सव होता है तो वो सुनते हैं, तो 1 महीना और 7 दिन ही हुए। और छुटपुट मिला करके मान लो कि 15-20 दिन जैसे तैसे करके 2 महीने तक मान लेते हैं, तो बाकी 10 महीने तो हम नहीं करते। सोचिए, आपको मैं सवाल पूछता हूँ, सबको ये बात पता है कि बनाने में ज़्यादा समय लगता है कि बिगाड़ने में? हाँ जी, बनाने में ज़्यादा समय लगता है, बिगाड़ने में तो कम समय लगता है। हम बनाने में साल का 2 महीना देते हैं और बाकी 10 महीने बिगाड़ते हैं, और उसके बाद हम ये सोचें कि इतना लंबा समय हो गया फिर भी दर्शन नहीं हो रहा है, तो हमारी वहाँ पर कमी है। पतंजलि मुनि क्या कहते हैं योग दर्शन में? स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक, और नैरंतर्य अर्थात निरंतर। तो हमारा लंबा समय तो हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम 12-12 वर्षों से, 15-15, 20-20 वर्षों से चर्चा सुन रहे हैं, तो लंबा समय हो गया वाकई, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर निरंतरता नहीं है ना। तो वो निरंतरता की आवश्यकता है। चितवनी में भी ऐसा ही है, हम चितवनी तब करते हैं जब चितवनी शिविर हो, ठीक है, और उसके अलावा भी यदि करते हैं तो कभी कर रहे हैं कभी नहीं कर रहे हैं, 1 हफ्ते कर रहे हैं फिर सोच रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा थोड़ी सी कोई परेशानी आ गई तो फिर हम उसको एक्सक्यूज दे देते हैं, बहाना, फिर कहते हैं कि नहीं देखा जाएगा, फिर कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, अभी कहाँ राज्य कहाँ भागे जा रहे हैं, परम धाम में ही तो है। इस तरह से हम अलग अलग तरह के एक्सक्यूज बनाते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं, और फिर हम उम्मीद रखें कि राज्य दर्शन क्यों नहीं दे रहे इतने लंबे समय से। तो हमें देवचंद्र जी की जीवनी से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने 1 दिन 2 दिन नहीं, 14 वर्ष निरंतर भागवत की चर्चा सुनी, और उसमें उनको कितने सारे एक्सक्यूजेस मिले होंगे। इसी 14 वर्ष की अवधि में बिहारी जी का, जमुनाबाई का भी जन्म हुआ होगा, है कि नहीं? इसी 14 वर्ष में कितनी बार तो बीमार पड़े होंगे, अभी तो एक बार वर्णन आया है इसमें, जब वो एक्सट्रीम अवस्था में पहुंचे थे, लेकिन बीमारी छोटी मोटी तो इससे पहले भी हुई होगी। कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आज नहीं कल चलते हैं, और 14 वर्ष में ऐसा थोड़ी हुआ होगा कि 14 वर्ष में कुल मिला करके एक बार भागवत हुई, ऐसा थोड़ी हुआ होगा। जब प्रतिदिन चर्चा करते थे भागवत की, तो हो सकता है कि 6 महीने में तो एक बार भागवत पूरा कर ही लेते होंगे, या 6 महीने में एक बार नहीं तो साल भर में भी मान ले तो कितनी बार सुनेंगे? 14 बार सुनी होगी, वो भी पूरी पूरी, ठीक है, वो भी मैं कम से कम कह रहा हूँ। और उसके बाद भी ये नहीं कहा कि सुन तो रखा है, अब तो याद है, भागवत पूरा याद है। हम तो कहते हैं ना कि बीतक तो पढ़ते ही हम क्लास में, ठीक है, वही वाणी है, वही चर्चा है, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। तो वो दृढ़ संकल्प, वो निरंतरता यदि हमारे अंदर भी आ जाए, अब तो हमें 40 साल लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि दृढ़ संकल्प हो, जरूरत सिर्फ इस बात की हो कि हम अपना प्रिय से प्रिय वस्तु राज्य के लिए छोड़ने को तैयार हो, जरूरत केवल इस बात की है कि हम अपने अहम को छोड़ें, ठीक है। क्योंकि जहां 14 वर्ष निरंतर प्रयास करने का प्रसंग है, तो 3 दिन के प्रयास में राज्य के देखने का भी प्रसंग है, भैरव सेठ की तरह। लेकिन वो अवस्था तो बने, देवचंद्र जी ने तो पहली बार रास्ता बनाया तो माझी द माउंटेन मैन की तरह पहाड़ चीर के रास्ता बनाना मुश्किल है, पर उस रास्ते में चलने के लिए 40 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो हमें राज्य ने पका पकाया दिया है, अब केवल चबा करके निकलने की जरूरत है। तो इस तरह से 14 वर्ष तक उन्होंने प्रयास किया, प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक प्रयास किया, और अब उन्हें दर्शन होता है। लेकिन उस दर्शन की भूमिका में महामती श्री लालदास जी क्या कहते हैं कि अब कहो श्री देवचंद्र जी की
जो बात मूल बुजरक जो मेहर सैयन पर करी सुभानुल हक। राज जी ने किस पर मेहर की? श्यामा जी पर नहीं लिखा है, सैयन पर लिखा है। सैयन अर्थात सभी ब्रह्म सृष्टियों पर, क्योंकि देवचंद्र जी ने इतने वर्षों के परिश्रम में, कितने वर्ष की परिश्रम, 29, 14 का तो भागवत है लेकिन 11 साल की उम्र से प्रयास उन्होंने शुरू किया था ना, तो इस 29 वर्ष के परिश्रम का फल जो उन्हें प्राप्त हो रहा है, उसका फल किसको भी मिल रहा है, सभी ब्रह्म सृष्टियों को। इसीलिए जो मेहर सैयन पर ऐसा लिखा है। तो 14 वर्ष तक जो भागवत की चर्चा सुनी, उसके बाद क्या हो गया एक दिन कि कछु कसनी भई आकार को इन समय इस ठौर पर नजरों कछु न आया, दज्जाल लड़ने लगा जोर। अब दज्जाल क्या है? दज्जाल कोई ऐसा स्वरूप नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है। दज्जाल क्या है? वो किसी भी रूप में हो सकता है। एक ब्रह्म सृष्टि और राज्य के बीच में जो कुछ भी बाधा है, वो बाधा दज्जाल है। कभी वो किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में हो सकता है, कभी वो हमारे स्वयं के गुण अंग इंद्रियों के रूप में हो सकता है, कभी वो हमारे अहम के रूप में हो सकता है, कभी हमारी तृष्णाओं के रूप में हो सकता है, कभी अज्ञानता के रूप में हो सकता है। तो जो कोई भी राज्य और हमारे बीच में बाधा बने, वो दज्जाल है। अब यहाँ रोग दज्जाल बन रहा है, बनने की कोशिश कर रहा है कि देवचंद्र जी का जो दृढ़ संकल्प है उसको हराने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हुआ, दज्जाल के रूप में क्या आया? यहाँ ज्वर आवने लगा, एक लंघन भई दोए, श्रवणा भंग न करे, कान बांध के सुनने जाए सोए। अब यहाँ देवचंद्र जी को ज्वर अर्थात बुखार आने लगता है। एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, तीन चार पांच दिन हुआ, बुखार कम ही नहीं हो रहा है। और बुखार तो आपको यदि एक दिन के लिए भी आ जाता है ना, तो शरीर में थोड़ी कमजोरी लगनी शुरू होती है, आपको कमजोरी का पता चलता है। चार पांच दिन के बुखार में तो व्यक्ति लड़खड़ा के चलने लगता है, लेकिन देवचंद्र जी का तन भले ही लड़खड़ाया हो पर संकल्प नहीं लड़खड़ाया है अभी, और वो तो जा रहे हैं भागवत सुनने। इस तरह से करते करते 10-12 दिन हो गए, न ये भागवत छोड़ रहे हैं, न बुखार इन्हें छोड़ रहा है। अब देवचंद्र जी की वो अवस्था देख करके मतु मेहता जी एक वैद्य को बुला कर लेके आते हैं। वैद्य नाड़ी परीक्षण करते हैं और नाड़ी परीक्षण करके कहते हैं कि इनको तो सन्निपात हुआ है। सन्निपात मतलब आज की भाषा में कहे तो दिमागी बुखार बोलते हैं ना, कि इसको सिर पर बुखार चढ़ गया है, कहते हैं ना किसी को दिमाग में बुखार चढ़ गया है, तो उसको सन्निपात कहा जाता है। और सन्निपात ज्वर ऐसा होता है कि यदि थोड़ी सी भी हवा लगती है बाहर की, तो बुखार और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ तक कि रोगी की मृत्यु तक होने की संभावना रहती है। उन्होंने एक औषधि दे दी और कहा कि इसको काढ़ा बना करके पिला देना, और खास ध्यान रखना कि ये हवा में बाहर निकलने ना पाए। कुंवर बाई ने कहा, माता जी ने, कि ये तो मानने वाले नहीं है, ये तो भागवत सुनने जाएंगे। तो वैद्य ने वो दवाई वापस ले ली। क्यों? वापस लेने का कारण ये था कि यदि, अब वैद्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यदि देवचंद्र जी को कुछ हो जाता उस वैद्य की दवाई लेने के बाद, तो पूरे क्षेत्र में क्या बात पहुंचती कि इसकी दवाई ली इसलिए ये रोगी को ऐसा हुआ, अनहोनी घटना हो गई, तो दवाई कौन लेता फिर? उनकी तो पूरी रोजी रोटी समाप्त हो जाती, उनका पूरा व्यवसाय बंद हो जाता, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया, ले लिए वापस। तो मत्तु मेहता जी कहते हैं कि नहीं वैद्य जी, आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे, हम इन्हें बाहर जाने नहीं देंगे, क्योंकि इन्हें जीवित रखना है। देवचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो नहीं रुकने वाला, मेरी दृष्टि में धर्म राखे ते देह है, यदि मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो शरीर की रक्षा होगी। क्या कहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हंती, धर्मो रक्षति रक्षितः।
जो धर्म की रक्षा करता है धर्म छत्री के समान उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की हानि करता है धर्म उसकी हानि करता है। अब देवचंद्र जी अपने जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पिताजी कहते हैं कि देह राखे ते धर्म है। अब ये भी बात ठीक है सामान्य दृष्टि में, क्या कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहते हैं ना, लेकिन देवचंद्र जी सामान्य अवस्था से ऊपर उठ चुके हैं, लेकिन घर के लोगों को ये सब कौन समझा है। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो पर घर के लोगों के लिए तो वो कैसा होता है। एक कहावत कही जाती है ना कि घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध, बोलते हैं कि नहीं, बाहर का जो जोगी होता है वो सिद्ध लगता है और घर का जो जोगी होता है वो कहते हैं कि अरे ऐसा ही है, ठीक है। तो अब ये मानते नहीं है, वैद्य दवाई दे करके औषधि दे करके चले गए, देवचंद्र जी को काढ़ा बना करके पिलाया गया। अब उधर भागवत सुनने का समय होता है, देवचंद्र जी थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए कान बंद करते हैं कपड़े से और लाठी लेकर के चलने लगते हैं, तो मत्तु मेहता और कुंवर बाई मना करते हैं। देवचंद्र जी किसी भी तरह से जब मानते नहीं हैं तो मत्तु मेहता जी घर के बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देते हैं, किवाड़ बंद कर देते हैं और स्वयं बाहर खड़े हो जाते हैं। अब देवचंद्र जी पुकार लगाते हैं और इतना अधिक वो नाराजगी दिखाते हैं क्योंकि उनकी तो आत्मा का आहार समाप्त हो रहा था ना। कहा जाता है कि त्यजेद एकम कुलस्यार्थे, एक कुल की रक्षा के लिए, कुल की भलाई के लिए, परिवार की भलाई के लिए किसी व्यक्ति का त्याग करना पड़े तो उस व्यक्ति का त्याग कर दो। यदि समाज की भलाई के लिए कुल का त्याग करना पड़े तो कुल का त्याग करो, यदि राष्ट्र के भले के लिए समाज का त्याग करना पड़े तो समाज का त्याग करो, यदि संसार के भले के लिए राष्ट्र का भी त्याग करना पड़े तो राष्ट्र का त्याग करो, लेकिन जहां बात आएगी आत्मा के भले के लिए तो आत्मा के भले के लिए संसार का भी त्याग करना पड़े तो संसार का त्याग कर देना चाहिए। तो सबसे पहले कौन सा भला आता है? आत्मा का। और यही जब रोका जा रहा था तो उन्होंने अब अपने घर वालों को भी कहा, रे मूर्खों में मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। अगर मुझे जाने दिया तब तो मैं मरूंगा नहीं, लेकिन अगर नहीं जाने देते हो तो मेरा केवल आकार अर्थात शरीर ही तुम देख पाओगे, मेरी आत्मा शरीर छोड़ करके भागवत सुनने चली जाएगी। और इतना कहते हुए, अब कमजोरी तो थी ही, बेचारे लड़खड़ा करके गिर पड़े, माताजी घबरा गई और घबरा करके घणी खम्मा कहने लगी, क्योंकि मूल रूप से राजस्थानी थी, खम्मा मतलब क्षमा, तो खम्मा खम्मा कहते हुए दरवाजा खुलवाया। पिताजी अंदर आते हैं, माताजी उनको उठाने की कोशिश करती हैं, पिताजी उनके कान में कहते हैं कि देवचंद्र भट्ट का बुलावा आया है, भट्ट जी का, तो भागवत सुनने के लिए आपको जाना है और आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको आप कहो तो हम आपको छोड़ करके आएंगे। इस तरह से लगभग एक आध घड़ी व्यतीत हो गई, आधा घंटे के आसपास बीता, तो कुछ समय के बाद में देवचंद्र जी को होश आता है। अब होश तो आ गया लेकिन पूरा चेहरा उनका सफेद हुआ पड़ा है कमजोरी की वजह से, रक्त अल्पता होती है ना, खून की कमी होती है, तो हेमोग्लोबिन की कमी हो गई, चेहरा सफेद हो गया। अब ऐसे में भी लाठी पकड़ करके भागवत सुनने के लिए जाते हैं। पिताजी पूछते हैं कि आप कहो तो हम पहुंचा दें, देवचंद्र जी मना करते हैं कि नहीं मैं चला जाऊंगा। सोचे हिम्मत कितनी है उनमें, तो इतनी हिम्मत करके पहुंचते हैं, वहां जा करके भागवत की चर्चा श्रवण करते हैं, वापस आते हैं। अब शांति मिलती है क्योंकि भागवत सुनने को मिला, इस बात की भी शांति है और दवाई जो वैद्य ने दिया था तो उस दवाई का भी असर होता है, अब बुखार चला जाता है। उसके बाद
कहते हैं फिर यहाँ से पथ लिया होए चली फुर्सत। पथ क्या होता है, जैसे परहेज कहते हैं ना, वैद्य या आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर या वैद्य मना करते हैं कि ये चीज नहीं खानी है और ये चीज आपको खानी है। तो इस तरह से वो पथ्य लेते हैं और इस तरह से करते करते बुखार उनका समाप्त हो जाता है, कमजोरी समाप्त हो जाती है। दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद। ये अब देवचंद्र जी की कसौटी की हद थी, मतलब इतनी तक उनकी परीक्षा होनी थी, जिस परीक्षा में श्री देवचंद्र जी उत्तीर्ण होते हैं। और इस तरह से अब आगे 10-15 दिन तक और कथा सुनते रहते हैं। भाग बुखार उतरने के बाद भी 10-15 दिन वो कथा सुनते हैं और अब देवचंद्र जी जो है पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और ऐसी अवस्था में किस तरह से राज जी आकर के दर्शन देते हैं, जिस स्वरूप ने दर्शन दिया वो कौन है, चौपाई के आधार पर तो कहा जाता है स्वरूप खेला जो वृंदावन, तो वृंदावन में लीला करने वाले कृष्ण जी ने दर्शन दिया। तो अब हम कल की चर्चा में सुनेंगे कि दर्शन देने वाला स्वरूप वृंदावन में लीला करने वाले कृष्ण जी हैं या फिर परम धाम के राज्य के स्वरूप ने दर्शन दिया है, और दर्शन देने के बाद अब आगे ब्रह्म सृष्टियों की जागनी किस प्रकार होती है। ये पहले तन की बीतक चल रही थी, अब जो दूसरा स्वरूप है, अब तक तो हमने देवापी और मरु के दो जीवों में से देवापी की कथा सुनी। मरु ने जो जन्म लिया है मिहिर राज जी के रूप में, अब मिहिर राज जी की बीतक क्या है और दोनों का आपस में मिलाप किस तरह से होता है, इसकी भूमिका कैसे बनती है, ये सारी बीतक सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दो रही। फिर यहाँ से पथ लिया होए चली फुर्सद, दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद, यही कसनी की। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज, प्रणाम।